प्रणाम। आज हम बात करेंगे चंदन की। सुगंध बाला यष्टिका गुर्च खस सर्वेष्ट, सर्वेष्ट यानी के सफेद चंदन। सौंफ त्रिवत का क्वाथ मधु संग है श्रेष्ठ। सुगंध बाला, मुलहटी, गिलोय, खस, सफेद चंदन, सौंफ, निशोत के क्वाथ में शहद मिलाकर सेवन करने से रक्त पित्त नष्ट होता है। गर्मी या लू के रोगी को दूध में चंदन का तेल 1 से 5 बूंद डालकर पिलाने से रोगी शीघ्र स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। चंदन अर्क, गुलाब जल, खस का शरबत गर्मी या लू को शीघ्र समाप्त कर देता है। गर्मी में होने वाली घमोरियाँ, फोड़े फुंसी, खुजली आदि में चंदन का लेप लगाने से फोड़े फुंसी, खुजली सभी ठीक हो जाती हैं, जलन खत्म हो जाती है। चंदन बुरादा, बेसन, नींबू, गुलाब जल सभी मिलाकर धूप में जलने वाली त्वचा, हाथ पैर, गर्दन पर काले धब्बे पड़ना सभी पर इसका लेप लगाने से ठीक हो जाता है तथा त्वचा पहले जैसी कोमल हो जाती है। महिलाओं को गर्भ की स्थिति में कमर के नीचे वाले भाग में दर्द प्रारंभ हो जाता है। मूंगफली तेल में चंदन तेल 2 बूंद एवं लेवेंडर तेल 2 बूंद डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस तेल की मालिश से कमर दर्द ठीक हो जाता है। क्योंकि हम बात करते हैं आपकी सेहत की, आप देखते रहिए एक चुटकी सेहत की। प्रणाम।